हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब? आप सब बढ़िया होंगे, हम मस्त होंगे। तो आज गाइस सीन ये हो गया, 3:30 हो गया, चक्कर ये है घर पर कोई नहीं है, अभी भी ताला लगा के जा रहा हूँ घर पे। तो मैं ना घर पे था, तो सुबह उठ गया था जल्दी, पहले गाड़ी गुड़ी पापा ने बोला थोड़ा साफ कर दे, गाड़ी गुड़ी साफ की, उसके बाद ना नहाया धोया, खाना खुना खाया, पूजा की, तो घर वाले चले गए, सारे भाई बहन चल के गए थे, तो पापा मम्मा भी गए, आज जाना था कहीं पे, तो घर पर कोई नहीं, मैं अकेला, तो मेरे को ना नींद आ गई, मैं सो गया, ब्लॉग नहीं शूट किया कोई आज, बस आया ऐसे लेटा और नींद आई और सो गया। अभी जा रहा हूँ नीचे, नीचे ना काम लगा था जहाँ पे, उधर पड़ रहा लेंटर, तो फोन कर रहा था भाई, कहता आ जाओ वो खा लो, रोटी लगाई होगी, कहता वो खा लो, मैं अच्छा आया घर, पैसे कोई नहीं है, रोटी चलो उधर जाके खा लेते हैं थोड़ी सी, जा रहा अभी उतरी नीचे रोटी वोटी खाने, चलते हैं पहले खाओ, देखते हैं काम शाम लगा, आवाज़ आ रही होगी पीछे अगर मशीन की, तो शायद सुनाई दे रही होगी आपको। नहीं लगाया काम भाई, इधर डल रहा है लेटर, चलो जी देखते हैं रोटी कहाँ है। आगे घर पर चला गया था मैं, तो अभी जा रहा हूँ जिम, जिम का टाइम हो चुका है, तो नीचे आ रहा है फिर, चलते हैं जिम में, देखते हैं क्या क्या होता है, आज छूट नहीं हो पाया कुछ भी, पूरा दिन ऐसे निकल गया आज हमारा घर पर, क्योंकि घर पर कोई नहीं था, अभी भी कोई नहीं आया है, तो जा रहा हूँ अभी, वो आने वाले हैं घर वाले, कह रहे हैं हम बोल रहे हैं कि 10 मिनट में जा तू, मैं अच्छा काम लगा हुआ है दड़ा दड़ इधर, अभी तक ख़त्म नहीं हो लेंटर आज का, वो आ गई लूर खड़ी नीचे आ गए, काम देखो कितने बंदे लगे हैं, कम से कम 50-60 बंदे लगे हैं इधर। तो भाई लूट आ गई है, 4 बजे बोला था 6 बजे आ रहा है, गंद पाया है, इसकी वजह से जिम रह रही है मेरी और मेरा मूड खराब हो रहा है मेरा, बंद नहीं करते से, कसम से बड़ा गुस्सा आता है जब लेट हो जाता बंदा, मन नहीं करता फिर, मन मर जाता आता ऐसे, के जस लेट किया इसने आज सारा, ये देखो एक साड़ा पुल बन रहा है, मेरे को कितना लेट है, रोज करता है, ऑन द स्पॉट टाइम पे होता हूँ, ये देखो एक पुल बन रहा है इधर, 10 सालों से ये बनता ही रहेगा मेरे को लग रहा है, इधर इधर हालत यार के चक्कर हो गया, पंजाब नंबर गड्डी है खराब तो ना, ये बिच रोड में, बिच रोड में ये जीटी रोड है, चाचे की गड्डी खराब हो गई है, शीशे काले हैं, देखे ना तुम फिल्म कराए, मैं ये देखो जी हमारी जिम का रश देख रहे हो, अभी और बढ़ना है, इतना खलारा पड़ा होता ना इधर, क्या बताएं आप लोगों को, आज का ब्लॉग नहीं आएगा गाइस, ये कल आएगा, जावा पर्क, ये पर्क है पता नहीं कौन सा, लेकिन जावा है क्लासिक लेजेंड, कर ये बड़ी कर, चल मैं तो चले भरावा, चलो चलने, हर्ष भाई क्या लग रहा है जिम में, अर्जुन भैया के दिल में, ये हमारे भाई जी क्या हाल है आपके, शर्मा क्यों रहे हो आप ब्लॉग देखते हो, फिर आप भी आओगे ना ब्लॉग में, तो फिर बड़ी खुशी होगी आपको कि कितने कि मैं भी ब्लॉग में आया हूँ ना, है जिम कर क्या कहते कभी भागे ना जिम से, गेम तो पूरी की है, पास हो गई बस, क्या बताऊँ आपको कितनी हालत है, ये देखो जरा आगे जा रहा, जो जो ऊपर जा रहा है ना सारों को मना कर रहा हूँ, मैं नहीं जाऊँ आज जिम की छुट्टी करो, कुछ खाओ पियो जाके, मैं से जिम में जाओगे तो मतलब हाँ हो जाएगा, चल उते नठिया लभा जाए, तो तित्र हो तित्र अपना कह तित्र हो, चलो 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 तित्र हो तित्र, गंद पाया था इतना, चलो जी पुजिए घर। तो गाइस कैसे हैं आप, मैं जिम के बाद घर पे आ गया था, तो इसी चला चुला गया घर पे, तो उसके बाद मैंने शूट नहीं किया क्योंकि गया नहीं कहीं पे शूट क्या करता, तो अभी मैं ना छत पे सोता हूँ, आपको पता मतलब ऊपर वाले फ्लोर पे सोता हूँ, तो ऊपर आया था, तो मैं चलो ब्लॉग शूट कर लेते हैं आपके साथ थोड़ा सा, तो क्योंकि शूट नहीं हो पाया आज भी, कुछ नहीं डाला कल भी नहीं डालूंगा, तो ऐसे ना रूटीन टूट जाती है सारी, तो इसलिए मैं सोचा चलो बाहर से आके बाहर जाके ना शूट करता हूँ थोड़ा सा, और
थोड़ा सा हवा के नज़ारे लेते हैं। एक किलो चल रहा है अंदर, लेकिन फिर मैं चलो थोड़ी हवा शवा खा लेते हैं और साथ में आपके साथ थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। तो बात अभी कुछ बताने के लिए है नहीं मेरे पास, भैया का कहीं नहीं जा पा रहा है, कोई ब्लॉग शूट नहीं कर पा रहा, तो उसके लिए सॉरी गाइस। क्योंकि मतलब आज पूरे दिन घर पर था, क्योंकि घर वाले घर नहीं थे, तो मुझे घर पर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और मैं घर पर था पूरे दिन। और मतलब पूरे 6 बजे गया, जब 6 बजे निकला घर से, उसके बाद से शूट करने लगा ब्लॉग। उससे पहले कुछ भी शूट नहीं किया था, वही मुझे लेटर डाला था तो बस वहीं पर, तो उसके बाद से घर पर था। तो मैं आपको ना कुछ ऐसे ना व्यू दिखाता हूँ कैसे दिखता है यहाँ से। ये देखो गाइस, ऐसे कुछ दिखते हैं नज़ारे, ये देखो दुकान है इधर, बाकी फ्रंट एरिया ऐसे दिखता है। तो अभी यहाँ से ज़्यादा नहीं देखा, अगर मैं ऊपर वाली छत पे जाऊँ ना मेन, तो उधर से पूरा दिखता है, हर एक लाइट दिखती है, बॉर्डर तक दिखता है इनका, जो हमारा बॉर्डर है ना इंडिया और पाकिस्तान का, वो दिखता है पूरा। तो चलो ये हमारा पाम देख लो जहाँ पे आग लगी थी, दिख रहा पूरा आपको। तो ये यार दिन में दिखाएंगे, किसी और दिन ब्लॉग बनाएंगे अपनी छत का ना, वो पूरा दिखाऊंगा आपको। गाइस आज के ब्लॉग में इतना ही, छोटा सा ब्लॉग बनेगा, 4-5 मिनट का ब्लॉग होगा। तो माइंड मत करना भाई की मजबूरी भी समझो, गर्मी बहुत ज़्यादा, आज तो इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि बुरी हालत होगी जिम में भी, इसलिए गर्मी बहुत ज़्यादा है, कहीं बाहर जाना भी नहीं होता, और अगर जाना भी है तो किस पे जाऊँ, गाड़ी है नहीं, गाड़ी पापा के पास रहती है 24 घंटे, मेरे पास नहीं होती है, सुबह पापा लेके जाते हैं, रात को जाते हैं, तो मतलब गाड़ी मिलना मुमकिन नहीं है। तो कभी कभी कोई दिन हो, कोई कहीं पापा अगर नहीं हो गए हों कहीं पर, तो गाड़ी करते हो तो मिल जाए, ऐसे नहीं तो बहुत मुश्किल हो गया गाड़ी का, एक गाड़ी भी मेरे को मिले। तो चलो जब तक थोड़ी सी मुसीबत सहन करनी पड़ेगी, जब तक पापा कोई गाड़ी नहीं लेते तब तक तो चलना पड़ेगा ऐसे, तो जब वो ले लेंगे उसमें फिर से वो वापस आ जाएगी, फिर जाया करेंगे साथ में। थोड़ी गर्मी भी कम हो जाए यार, गर्मी बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो जाती है बंदे की, मैं भी इंसान हूँ बाइक काफ़ी तरह, इसलिए बाइक अपने को प्यार और सपोर्ट बनाए रखो, चैनल को करो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक। तो मिलेंगे अब आपको नेक्स्ट ब्लॉग में किसी धमाकेदार वीडियो के साथ, देखते हैं कोई धमाका हो नहीं रहा अभी, जैसे होगा तो हम जरूर बताएंगे आपको क्या बनता है बाकी आगे और वीडियोज में, क्योंकि कभी कभी सोचता हूँ बंद करते बनाना, मेरे पास कोई कंटेंट नहीं होता कभी कभी, और कई बार व्यूज नहीं आते, कई बार ऐसे देख के बहुत बुरा लगता है कि हाँ भाई व्यूज नहीं आ रहे, सब्सक्राइब करने बदले, तो बहुत डीमोटिवेट होता हूँ, लेकिन फिर भी सोचता हूँ नहीं यार बनाऊँगा, आज बनाऊँगा, आज नहीं कि व्यूज़ आएंगे, कल नहीं आएंगे, परसों नहीं आएंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा ना जिस दिन आपके बाइक के व्यूज़ भी आएंगे, आगे बस बाइक के पास कंटेंट भी होगा और आपका भाई सब कुछ करेगा बिना किसी परमिशन के और बिना किसी टेंशन के। चलो वो दिन भी लाएंगे, भगवान की दया रही तो वो भी दिन आ जाएगा। चलो गाइस करते हैं इस ब्लॉग में, फ्रेंड मिलेंगे आप आगे नेक्स्ट ब्लॉग में, ओके गाइस बाय बाय।